बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए हम बात करने वाले हैं, ये देख ले मेरे अकाउंट वगैरह, इसमें नंबर और मेल वगैरह दोनों लिंक है, इसको कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। मैंने खुद किया है, तो कैसे आप लोग करोगे इसको फॉलो करना है। और ये आ जाएँ अकाउंट में, ये सेटिंग वगैरह में, और ये देख लें मीन के मैंने रिमूव कर दी हुई है, ऑन लिंक वगैरह कर दी हुई है। ये देख लें मेल और नंबर पर लिंक वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी करते हैं आपको मीन कि इसको रिमूव करने के लिए पहले तो आप लोगों को फाइल क्लेम कर लेनी है। अगर हो जाए उधर से रिमूव तो सही है, अगर ना हो तो वो आपने उनको, क्योंकि जब कस्टमर सर्विस में जाओगे तो वो आपसे मांगेंगे कि आप लोगों ने फाइल क्लेम की, आप लोगों ने बताना कि रिजेक्ट हो गया। तो आपके पास तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट में चले जाना है। सही है, उधर जाके आप लोगों ने फाइल वगैरह क्लेम कर लेनी है। और जैसे ही आप लोग फाइल वगैरह क्लेम कर लेते हो तो वो मीन के आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर वो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मीन के एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप लोग फाइल क्लेम करोगे हेल्प एंड सपोर्ट में, आपने सेकंड वाले पे व्हाट शुड आई डू इफ माय अकाउंट है इस पर क्लिक करना, फिर माय थर्ड वाले पे माय गेम अकाउंट है इस पर क्लिक करके फाइल क्लेम पे क्लिक कर दें। और इधर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है सेकंड वाली माय अकाउंट वाज वाली, फिर नेक्स्ट कर देना है। और बाद में आप लोग इधर ना सिलेक्ट करनी है फर्स्ट पे ना अकाउंट वगैरह जो रिमूव वगैरह करना चाहते हैं, जो हैक वगैरह। तो इधर अगर आप मीन के फेसबुक ट्विटर से होंगे तो गूगल प्ले आ जाएगा, अगर गूगल प्ले से होंगे तो ट्विटर अनलिंक हो जाएगा, क्योंकि मेरे दो है ना, तो मेल वगैरह तो है नहीं तो यही आ रहा है। तो अगर मेल वगैरह नंबर भी ऐड होंगे तो इधर नंबर मेल भी आ जाएंगे, तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। इधर जो भी रिमूव करना चाहते हैं, अनलिंक वगैरह करना चाहते हैं, वो इधर आप लोगों ने सिलेक्ट वगैरह कर लेनी है। और ये फॉर्म वगैरह सभी ना फिल कर देना, फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना आप लोगों ने। और ये देख लें फाइल वगैरह मेरी रिजेक्ट हो गई हुई है, तो कोई इशू नहीं, अगर एक्सेप्ट कर लें ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कोई, फिर बाद में कस्टमर सर्विस में चले जाना आप लोगों। और ऊपर राइट कॉर्नर पे जो कमेंट और इनबॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे ही आप लोग क्लिक वगैरह करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। न्यू कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करनी है और ऐसा आ जाएगा, ए प्लेयर थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग अस। तो आप लोगों ने मैसेज कर देना प्लीज़ अनलिंक माई मेल एंड नंबर, तो ये आर्टिकल वगैरह आएंगे, तो आप लोग नो दे डिडंट हेल्प वगैरह भेज देना। और ये कहेंगे बाद में कि कोई क्या इशू वगैरह आपका गेम वगैरह का, सही है। तो आप हैक अकाउंट का क्या स्टेटस वगैरह आपके अकाउंट का, तो आप लोगों ने उनको बता देना, सही है, आई कैन लॉग इन टू द गेम वगैरह, ये तो आप लोगों ने बता देना। आर्टिकल वगैरह आएंगे तो आप लोगों ने वन वाला सिलेक्ट कर लेना, तो वो बाद में आप लोगों से पूछेंगे कि अभी भी इशू वगैरह है आपके हैक अकाउंट का, तो आप लोगों ने बता देना दिस इशू स्टिल अक्कर वगैरह में इनके आर्टिकल आएगा ना, तो सेकंड वाला आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना माई गेम अकाउंट इज मीन किसी ने बदनीति से मीन के कनेक्ट वगैरह कर लो, तो वो आपसे कहेंगे कि हेल्प सेंटर में जाके आप लोग फाइल क्लेम कर लो। तो आप लोगों ने बता देना फाइल क्लेम किया लेकिन रिजेक्ट हो गया, सेकंड वाला आप लोगों ने मीन के सिलेक्ट करना। फिर वो कहेंगे कि यू टेल अस वाई योर पबजी अकाउंट वगैरह हैक बाई समवन, तो आप लोगों ने थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों ने सिलेक्ट वगैरह कर लेना, तो वो आर्टिकल आएगा ना, तो वो थर्ड वाला आप लोगों ने सिलेक्ट कर वगैरह करके सेंड कर देना। फिर मीन के वो ये कहेंगे मीन के तीन चार ऑप्शन वगैरह देंगे कि अपना जो भी पबजी का अकाउंट वगैरह बताओ, यस करके फिर अपने अपना जो भी अकाउंट नेम और आईडी करेक्टर वो भेजनी है। फिर सोशल मीडिया जो है आपके पास या मेल वगैरह वो आप लोगों ने ट्विटर जो भी फेसबुक बता देना, निक नेम वो आपसे पूछेंगे सोशल मीडिया का वो आप लोगों ने अपना बता देना है। और फिर मीन के इन्फॉर्मेशन जो कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन पबजी अकाउंट की रजिस्ट्रेशन डेट बताओ या एग्जैक्ट लिंक डेट बताओ मीन के जो आप लोगों ने पबजी में किया हुआ सोशल मीडिया की, तो आप लोगों ने द एग्जैक्ट लिंक डेट पर मीन के इंटर कर देना है। दो पूछ रहा है, एक रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है, एक एग्जैक्ट लिंक, तो आप लोगों ने एग्जैक्ट लिंक बता देना, क्योंकि जो एग्जैक्ट लिंक होती है ना वो गेम में जो भी सोशल मीडिया में जाके ऐप में जाके स्कूटी में जाकर उधर से मिल जाती है, तो वो आप लोगों ने इंटर कर देनी है उधर से देख के। और बाद में नेम वगैरह बता देना, और बाद में आपसे ना वो एक प्रूफ के तौर पे यूसी परचेज का पूछेगा, सही है। तो आप लोगों ने वो अपनी जाके ना उधर मीन के मिडास बाय में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उधर जाके अपना जो भी यूसी परचेज किया वो आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेके भेज देनी और वेट करना, वीक के अंदर अंदर आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये देख लें ऐसा मीन के उनका ऑप्शन आ जाएगा कि हमने मीन के रिमूव कर दिया आपका,
अकाउंट वगैरह सेम इनके मेल और नंबर वगैरह, तो यही आपको बताना था। और ये देख लिया रिमूव हो गया, तो यही था सही है। तो यही बताना था, ऐसे आप लोग मीन के रिमूव कर सकते हैं। एक आपके पास मीन के स्क्रीनशॉट होनी चाहिए यूसी की, और एक मीन के जो रजिस्ट्रेशन मीन के आपका जो पब्लिक अकाउंट वगैरह कब बनाया आपने वो डेट, या मीन के जो सोशल मीडिया आपके, वो तो ईजी है ना, सोशल मीडिया का पता चल जाता। तो ऐप में जाना आपने, सिक्योरिटी में जाने के बाद आप लोगों ने ऐप में जाना, ऐप में जाने के बाद ऐप सेशन में जाना, और इधर से जाके कनेक्टिंग ऐप में जाके देख लेनी है पबजी होगी जो भी ऐप वगैरह, पबजी सेलेक्ट करके और उधर मिल जाएगी कनेक्टेड डेट वगैरह, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है और वो प्रोवाइड करनी है, तो वो हो जाएगा सही है। तो यही बताना था आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना, सही है। तो वीडियो करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो वगैरह को शेयर वगैरह करें, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।